सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वर विल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमने हमारा ग्रीन हाउस जो है वो बना लिया था, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि अराउंड मेरे हिसाब से आधा या 45 मिनट्स के बाद तुरंत यहाँ पे लेमन्स आ चुके हैं, कैरेट्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देख सकते हो कॉर्न्स भी आ चुके हैं। तो भाई मतलब ग्रीन हाउस तो भाई कतई जहर है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, अराउंड 30 या 45 मिनट मैक्स। और उसके अंदर आप देख सकते हो सारे जो हमने पौधे लगाए थे सब में 10-10 कैरेट्स, लेमन्स एंड कॉर्न आ चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस काफ़ी फायदेमंद रहा हमारे लिए। तो गाइस अभी यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि हमको इन सारे पौधों को डालने के लिए फर्टिलाइज़र कम पड़ रहा है, क्योंकि हमने, आप नीचे दिखा देता हूँ आपको मैं, रुको। ओ ये पहले बंद कर लेता हूँ गेट। हमने नीचे की तरफ जो है वो फर्टिलाइज़र के लिए अराउंड 15 तो लगाए होंगे, कंपोजिट भी नहीं बोलते ना इनको, ये देखिए 15 तो लगा दिए यहाँ पे। और फियोमिया से हम टट्टी निकाल के इसमें डालते रहते हैं, देख सकते हो इसमें कंपोजिट मिट में, लेकिन फिर भी हमको जो है काफ़ी कम मात्रा में, अराउंड 2 से 3 घंटा वेट करना पड़ता है, तब जाके हमको 1 या 2 जो है वो फर्टिलाइज़र मिलता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अभी हम क्या करने वाले इस वीडियो में, आज हम जाके पकड़ने वाले बीटल्स को, ठीक है। तो बीटल्स से हमको क्या होगा, बीटल्स से हमको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 बीटल्स पकड़ के मैं ग्रीन हाउस में डाल दूंगा और उनसे हमको काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिले, ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूँ। और यहाँ पे हमको बीटल्स को जो है वो टेम करने के लिए चाहिए होगी पॉटी। तो यहाँ पे फियोमिया से पहले पॉटी निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे को जो है वो वाइट जो बेरीज होती है वो चाहिए होगी। और मैं भी पायरासोरस में हो, टेक पायरासोरस में मेरे काफ़ी कम मात्रा में। तो यहाँ पे जो है इसकी लेवल अब भी हो चुके हैं काफ़ी बढ़िया, स्टैमिना बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पहले वाइट बेरी जो है उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे बेस के आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं, उनको तोड़ के हमको वाइट बेरी मिल जाएगी। और जो है डंग बीटल मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉटी भी नहीं खाएगा, इतनी नहीं खाएगा। तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पौधे, उनमें से हमको वाइट बेरीज मिल जाएगी, ठीक है। 5 minutes later कितनी हो चुकी है, बारिश भी गिर रही है यहाँ पे, 100-200 हो चुके हैं, ठीक है। चलो 200 से मेरे हिसाब से काम बन जाएगा, तो उसको खिला देते हैं और वो फिर। अच्छा ये देखो यहाँ पे भी क्या दिन आ गया गाइस, डायनासोर के नीचे जाके पॉटियाँ इकट्ठी करनी पड़ रही है। कोई नहीं यहाँ पे, अच्छा इन्होंने दिए ये लार्ज वाली है, 2-2 पूप दिए, मीडियम है सॉरी, इतना बड़ा डायनासोर और मीडियम पूप देता है, वाह। अच्छा इसने नहीं दी, इसने दिए, ये कौन सी देता है, ये भी मीडियम ही देता है, वाह सही है। लार्ज कौन देता है फिर, अच्छा वो बड़ा वाला जो है वो लार्ज देता होगा अपना, ब्रोंटोसॉरस लार्ज पूप देता होगा मेरी। तो चलो तो यहाँ से बेरीज निकाल लेता हूँ मैं फटाफट, 208 या 209 मिल चुकी है बेरीज, और उसको खाना भी उसका कम हो जाएगा, तो उसको खाना भी डालना पड़ेगा, तो खाना भी निकाल लेता हूँ मैं। ओ मेरे हिसाब से मेरे पास 300 बेरीज है, हाँ नहीं 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 200 ही है, तो 300 है क्या, और खाना ले लेता हूँ, मरना जाए भाई। थोड़ा सा आजकल जो है हम बेस के नज़दीक जैसे आते हैं ना, मेरा गेम थोड़ा सा लैग कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डायनासोर हमने टेम करके रखे हुए, तो वो उतना लोड करने में काफ़ी टाइम लेता है। ये पॉटी उठा लेता हूँ यहाँ से, और इसमें जो है पहले डाल देता हूँ बेरीज, पॉटी भी गलती से डाल दिए, ठीक है। अराउंड हमारे पास 300 तो हो चुके हैं वाइट बेरीज, तो काम पे लग जाते हैं गाइस। ये देखो भाई, ओ भाई पहाड़ डालने वाला है अभी, पॉटी का पहाड़ गिरने वाला है, देखो गाइस ये देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गलती से इसमें क्रिस्टल भी डाल दिया है मैंने, क्रिस्टल निकालने दो, ओ भाई पहाड़ पॉटी का उठाने दो,
कि जितने हो सके उतने हम बीटल वहाँ पे टेम करने की कोशिश करेंगे। पांच, कम से कम पांच मिलने चाहिए। ओहो भाई साहब, ठीक है। ओ भाई कितने हो चुके हैं हमारे पास, 40। इतने में तो हो जाएंगे ना पांच, ठीक है। चलो तो गाइज हमने ये भी उठा लेता हूँ, यहाँ पे टट्टी तो इकट्ठा कर ली है। अभी बीटल जो है हमारा, आपको पता होगा ज्वालामुखी वाला एरिया, वो जहाँ पे हमने विवरिंस के एग चुराए थे, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बीटल्स है। तो उस एरिया में जाके हमको बीटल्स को जो है वो टेम करना पड़ेगा। तो फटाक से पहुँच जाते उस एरिया में। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं उस एरिया में, लेकिन यहाँ पे हमको काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा नीचे, ठीक है, क्योंकि इसी एरिया में हमने बीटल जो है वो देखे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे उड़ के उड़ते हमको देखना पड़ेगा कि कहीं पे कोई बीटल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे काफ़ी ख़तरा भी है, यहाँ पे मैंटिस है और काफ़ी ज़्यादा डेडली क्रीचर्स भी है यहाँ पे। तो पूरा एरिया एक एक करके हमको छानना पड़ेगा, तब जाके कुछ। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? अच्छा नहीं, बीटल तो ऐसा नहीं होता है। रैप्टर है मे बी, हाँ रैप्टर है, ठीक है, उनसे हमको कोई दे। अच्छा वो क्या चीज़ है सामने, एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट। अच्छा दो बीटल है यहाँ पे, ये एक है, रुको इसके ऊपर से मत जा, ऊपर से मत जा। और ये एक है यहाँ पे, रुको इसको यहाँ, ये कौन है बे? अबे ये क्या जमीन पे, अच्छा जमीन पे चल रहा है, चलवा के यहाँ से निकल। तो गाइज यहाँ पे दो बीटल मिल चुके हैं हमको, देख रहे हो, ये देखो। लेकिन इनको टेम कैसे, अच्छा पुट टेमिंग फूड इन द लास्ट, अच्छा मतलब इनको जैसे हमने अपने 21 को किया था उस तरह से टेम करना है। तो यहाँ पे टट्टी जो है वो लास्ट स्लॉट में रखनी है और इसके पास जाके ये दबाना है हमको, रुको। 36 हो गया गाइज, 36 हो गया डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला हमको, सिर्फ इनको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे को कम से कम पाँच बीटल तो चाहिए गाइज, अभी इसको भी कर लेता हूँ, लेवल 5 का है ये, ठीक है। ठीक है, इसमें मेल फीमेल नहीं होता, जेंडर जो है वो NA दिखा रहा है मेरे को, मतलब बीटल्स में मेल फीमेल नहीं होता तो इनकी ब्रीडिंग नहीं करा सकते हम। इसमें भी NA दिखा रहा है जेंडर, देख सकते हो, ये देखो NA, और ये लेवल 23 का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि अगर इनको टेम करते करते मैंटिस बीच में आ गया ना, तो ये बीटल भी मरेंगे और मैं भी मरूँगा। एक काम कर लेता हूँ, ये जब तक हंग्री होता है ना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक जगह बना लेता हूँ। ओ यहाँ पे इसने दो टट्टियाँ डाल दी यहाँ पे, जिसमें मैं टेम होने के बाद इन सारे बीटल्स को रख दूँ। ये दो को रखूँगा और आगे जाके और को देखूँगा कि कोई कहीं पर मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो मटेरियल मैं साथ में लेके आया था, एक ही जगह पे दो मिले वो अच्छी बात है। फेंस फाउंडेशन कहाँ पे, वुडन, हाँ एक 6 बना लेता हूँ, ठीक है। और जो वॉल है वो बना लेता हूँ वुड की, फिलहाल के लिए 12 बन सकती है जी, ठीक है। 5 ये बना लेता हूँ, ये एक और एक डोर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे बनाऊँ, सही है, यहीं पे बना लेता हूँ। रुको देखता हूँ ये हंगरी हुआ या नहीं, और इसको टट्टी खिला के आता हूँ। काफ़ी बढ़िया गाइस, दो दो मिले एक ही जगह पे। अच्छा ये हो चुका है, ओ भाई हो भी गया। इनको नाम ज़रूर सजेस्ट करना गाइस, ठीक है, अच्छे से नाम बताना। ये हो चुका है, ठीक है, इसको भी खिला लेता हूँ। दो बीटल हो गए यहाँ पे। ये क्या लग रहा है गाइस, ये देखो नज़दीक से देखो, कलर देखो इसका क्या लग रहा है, येल्लो येल्लो, एक नंबर गाइज, एक नंबर। ओ भाई ये अभी तक हंगरी नहीं हुआ, वो लो लेवल का था इसलिए हंगरी हो गया था। रुको इसको अनफॉलो कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रेट जगह में भी यही है, और यहाँ पे अपना सारा फाउंडेशन ब्यूटेशन लगा के एक बना लेता हूँ इनके लिए बेस। रुको अभी ये क्या बना दिया मैंने यार, सीलिंग बना दी मैंने, शिट। मेरे को फेंस बनानी थी वुड, ये रे वुडन फेंस भाई, बन सकते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं। 8 बना लेता हूँ, रुको मैं भी तब तक। ओ भाई ये पैची तो इसको मारेगा, पैची है ना ये पैची है ना, मैं भी, हाँ ये पैची है, पैची नहीं हमलावर नहीं होते। अच्छा मेरे भाई लास्ट स्लॉट में टट्टी नहीं है, अभी याद है मेरे को, ये देखो
ओके 73 हो चुका है, हाई लेवल का है इसलिए उसको टाइम लग रहा है। ठीक है ये बन चुके हैं। ठीक है यहाँ पे लगा दो भाई। ठीक है ध्यान से सही तरह से लगना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर कोई मैंटिस बिंटिस मैंटिस वैसे इन पे अटैक नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर किया तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए ये सब बना के रख रहा हूँ यहाँ पे। पर इतने मेहनत से करो और बाद में दूसरा ढूंढने जाओ, पता चला इनको ही पेल दिया किसी ने। ठीक है रुको पहले वॉल लगा दूं वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। सिंगल की वॉल लगा रहा हूं। ओके यहाँ पे एक आखिरी लगाना बाकी है डंडा। ओ भाई ये काफी दूर लग गया। ओके काम पर जाएगा अपना। ओके यहाँ पे डोर लगा देता हूँ, डोर फ्रेम बनाई वो ताकि मैं आ सकूँ उससे अंदर। ओके इतने से छेद में से कोई तो आ नहीं सकता, तो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है डोर लगा दे। ठीक है गाइस डोर बन गया यहाँ पे और लगा भी दिया हमने। अभी जो बीटल टेम हुआ है उसको लेके आता हूँ, ये भी टेम हो गया हो जाएगा, सॉरी हो गया होगा बोला मैंने। ओ भाई कहाँ पे चला गया? अरे नहीं भाई 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 भाई, भाई कहाँ पे? अच्छा ये रहा इस तरफ पे, यही तो चाहिए भाई, यही मैंने इसका कलर देख सकते हो क्या खतरनाक लग रहा है। ये भी हो गया गाइस, तो जो भी सारे बीटल्स में पकड़ने वाला हो भाई, ये देखो गाइस कैसे हाथ में पकड़ा है मैंने, ये देखो। ओ भाई साहब हाथ में पकड़ के लेके जा रहा हूँ। ओ भाई ओ भाई, तो जो भी मैं बीटल्स पकड़ने वाला हूँ उनके नाम मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना कि क्या रखने चाहिए। जा ये रहने तो यहाँ पे। अच्छा ये फॉलो होगा मेरे को, अनफॉलो कर लेता हूँ। वो इनके अंदर मेरे को खाने के लिए टट्टी डाल के रखनी पड़ेगी, कम ना पड़ जाए। दो में तो हो रहे, दो या तीन में हो रहे ना बिटल, तो मैं इनमें भी डाल के रखता हूँ, एक एक डाल के रखता हूँ। अगर इनको भूख लगी तो खा लेंगे, वरना बेस पे जाके इनको मैं खिलाने वाला हूँ वैसे भी। तो यहाँ पे रहने दो, ड्रैगन पे बैठते गाइस और बीटल्स ढूंढते। वो सामने की तरफ क्या एक और बीटल? ओ नहीं है ये तो स्पाइडर है बे। ठीक है यहाँ पे ऐसे ही ढूंढूंगा मैं नीचे रह के, काफ़ी ज़्यादा बीटल्स है यहाँ पे। ओके सामने मैंटिस है, मैंटिस को लाइटनिंग से उड़ा देंगे। रुको गाइस अपन, ओ भाई स्वाहा, ओ भाई एक पटके में सांप भी गया भाई, तीन लाशें पड़ी एक लाइटनिंग स्प्रे में। कहिए बीटल्स बीटल्स देर आर यू बीटल्स, दिख जाओ हमको बीटल्स। मैंटिस है, ओ ये रहा नीचे एक, जस्ट अभी दो है नीचे। ओके एरिया क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंटीपेड भी है, वो सिंटीपेड ही बोलते हैं मे भी उसको। अच्छा ये बीटल्स को कुछ हार्म नहीं करते, वो अच्छी बात है। रुको चल तेरे जात का वड़ा पाव मारूं। मैंटिस, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर किस काम आता है ये पता नहीं अभी तक चला। ओके ये अटैक मिस हो गया, ये लग गया भाई। ओके ठीक है पूरा क्लियर है, पहले देखने दो। वहाँ पे एक स्कॉर्पियन है, वो उतने दूर से नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है इन दोनों को टेम कर लेता होगा इस फटाक से। इसका भी कलर काफ़ी बढ़िया है, लेवल 5 का है, मतलब ये दो बार खिलाने पे हो जाएगा। अच्छा दो दो के ग्रुप में मिल रहे, अच्छी बात है, मतलब हम 6 तो पकड़ लेंगे लग रहा है ऐसे। ये 25 लेवल का है, इसको टाइम लगेगा। ओ भाई ये हमारा भाई चलता फिरता टट्टी डोनेटर है, टट्टी डालते ही रहता है हमारा ड्रैगन, अच्छी बात है। तो मैं और आगे जाके गाइस और दो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है लालच बहुत बुरी बला है भाई। अच्छा स्पाइडर लाड़ में आ रहे हैं, देखो देखो गाइस देखो, एक पटके में मेरा 280 का डैमेज। सांप आ रहे सामने से, दोनों सांप एक पटके में मरे, एक मैंटिस भी आ रहा है। मैंटिस को क्या कुछ, मैंने सांप को मारा तो भाई क्या जंप मारती है मैंटिस। ठीक है यहाँ पे काफी खतरा है। ओ भाई क्या हो गया? अच्छा इनको खा रहा है,
बच्चा खा रहा है। मेरे को लगा इसको क्या झटके आ गए जो उठ के भाग रहा है। ठीक है बिटल्स ये रहे दो, और दिख नहीं रहे, ठीक है इनको खिला देता हूँ। अच्छा ये हंगरी नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ होगा अभी तक लेवल 5 का। ठीक है आगे देख के आ जाता हूँ मैं, अभी और दो मिल जाए। काफ़ी मुश्किल से दिखते हैं क्योंकि काफ़ी छोटे हैं ये बिटल, तो ज़मीन से एकदम सट के उड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे सेंटीपेड है, जब तक आओ भाई ये देखो गाइस बीटल ही है क्या ये? ओ भाई क्या कलर का बीटल है, देख रहे हो गाइस? मैं उन दोनों को टेम करने के बाद इसके पास आ रहा हूँ। ये देखो गाइस डंग बीटल लेवल 16 का, क्या कलर है इसका भाई साहब, मजे आ गए। ठीक है रुको उनको दोनों को पहले करने दो और फिर मैं आ जाऊँगा। इनको एक साथ लेके जाना काफ़ी मुश्किल है, वैसे मेरे को शायद बोट लेके आना पड़ेगा इनके लिए, और बोट पे डाल के इनको लेके जाना पड़ेगा। अबे वहाँ पे मत जा, जल जाएगा बे बे। हाँ इसको 3 बार खिलाना पड़ता है ना, भूल गया था। ये हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है ये हो गया था, ठीक है ये हो गया गाइस। ओके इसको लेके मैं बैठ सकता हूँ क्या इसके ऊपर? हो भाई मैं सामने से दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस बीटल को लेके कैसे बैठा हूँ ड्रैगन पे। रुको वहीं पे छोड़ के आता हूँ। काफ़ी सही है, 5 बीटल चाहिए थे, 5 तो मिल गए। यहाँ पे स्कॉर्पियन आ चुका है, मैं भी उनसे खतरा नहीं है ज़्यादा बीटल्स को। अगर एक मरा ना गाइस सारे एक साथ मरेंगे बीटल्स मेरे, इतनी मेहनत पानी में चली जाएगी। एक मिनट, इसमें एक अजीब से कलर का था, नहीं सेम ही कलर के वो वाला जो है वो ईस्टर एग या जो भी इवेंट था उसके कारण उसका कलर वैसे रह चुका है। वैसे वो इवेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस एरिया के ऊपर से जब भी हम उड़ते हैं ना तब जो नीचे सारे क्रीचर्स होते हैं उनके जो कलर होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कलर के सेट हो जाते हैं, तो जब तक हम उनको मारते नहीं है तब तक उनका वो कलर जाएगा नहीं, तो ये अच्छी बात है। ये भी काफ़ी बढ़िया चमक रहा है। ओके ये हो जाएगा अभी, क्योंकि एक और आखिरी टट्टी और ये हो गया। ठीक है तो इसको भी वहाँ पे छोड़ के आ जाता हूँ मैं, और गाइस हम जेरुबुआ को भी टेम करने के लिए जाने वाले हैं वापस से, क्योंकि एक जेरुबुआ जो था वो पानी के नीचे में जब पल निकालने के लिए गया था तब मर गया। मेरे ऊपर वो टर्टल जैसे होते हैं अंडर वाटर पानी में, उन्होंने हमला कर दिया था और भाई मार दिया मेरे को भी और मेरे जेरुबुआ को भी, तो उसको पकड़ने के लिए वापस जाएंगे हम। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अच्छा इनको अनफॉलो नहीं किया था। ठीक है 4 हो गए गाइज, वो 5वां जो काफ़ी खतरनाक कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का जो है वो, ये क्या है पंछी है? मैं भी डिहाइड्रेट, इसके लिए मैं पानी की बॉटल लेके आया था साथ में, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा। कितने ऊपर से बीटल दिख सकते हैं वैसे? अच्छा वो क्या है बीटल ये क्या है? इसी एरिया, अच्छा सामने आगे था ये रहा सामने, और यहाँ पे खतरा काफ़ी है तो ये क्लियर करना पड़ेगा। और ये जो ड्रैगन है गाइस ये देखिए, सी दबा के बंदों को उठा सकता है और सी दबा के इस तरह से वुड तोड़ सकता है और थ्रेड तोड़ सकता है, और ये देखिए ये वाला एक इसका अटैक है, उससे बंदे दूर जाते हैं। देखो जैसे मैं मैंटिस को कर देता हूँ अभी, ये देखो मैंटिस देख रहे हो दूर उड़ गया, तो ये वाला उसका अटैक है एक, तो ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा पूरा। ठीक है दिख, अच्छा सामने एक मैंटिस और है, इसको तो लाइटनिंग से मारूंगा। ओ भाई सांप के पास जा रहा है, लेकिन बीटल्स को करते नहीं है ज्यादा कुछ सांप। वो आगे एक और बीटल दिख रहा है मे भी मेरे को, रुको वो भाई बीटल के ऊपर ना चाहे, एक और बीटल, एक दो और बीटल है गाइस यहाँ पे नीचे, एक दो और सामने की तरफ एक और दिख रहा है मेरे को। अच्छा ये स्पाइडर है, ओके स्पाइडर के आगे एक और है बीटल। ठीक है पूरा एरिया क्लियर करने दो, अभी तो अपन ही भगवान है गाइस। ओके ठीक है तो पहले इसको
ये भी गाइज देख सकते हो अलग कलर का है थोड़ा सा, तो इसको पहले कर देते हैं फीड। और लेवल 7 का है, इसको दो बार फीड करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी पीछे जो है उनको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो है और वो एक है, चार बीटल यहाँ पे मिल चुके हैं गाइज हमको। ओके नीचे उतर देते हो, ठीक है। ये एक, काफ़ी बीटल्स मिल गए गाइज इस एरिया में हमको, ठीक है। इसको भी खिला लेता हूँ। यहाँ पे दो हमको अलग अलग कलर के मिल गए बीटल, इसको भी खिला लेता हूँ। एक साथ चार बीटल को टेम कर रहे हैं गाइज, मजा आ गया क्या? सामने एक मैंटिस है, इसलिए मैं ड्रैगन को लेके जा रहा हूँ। ये देखो देखो मैंटिस, देख रहे हो, मर गया, ठीक है। ओके ये वाला काफी खतरनाक लग रहा है गाइज। ओके इन सबको खिला दिया है, अभी पीछे वाले को खिला के आता हूँ। काफ़ी जल्दी टेम हो रहे, तो इतने बीटल से हम, मेरे को नहीं लगता कि हमको वापस फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बीटल की फर्टिलाइज बनाने की जो क्या बोलते फर्टिलाइज जो बीटल बनाते हैं वो अगर जल्दी जल्दी बना रहे होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको फर्टिलाइज मिलने में, और हमारी जो खेती है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। ओके हंगरी, दूसरा काफी चला गया, एक आगे की तरफ था। वे इनको मारता नहीं मैं, क्योंकि इनसे मेरे को चिटिन्स विटिन्स फिलहाल के लिए कुछ चाहिए नहीं है। तो ये वाला में भी हो जाए, ये हो गया, ठीक है। इसको उठा लेता हूँ। एक और यहाँ पे था कहीं पे। ओह भाई बीटल को लेके कैसे दौड़ रहा है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। रुक जा भाई, वेट अंटिल इज हंग्री, ठीक है। इन दोनों को मैं भी मैं खाना खिला के लेके जा सकता हूँ। अच्छा ये रहा एक, ओके ये खा सकता है। ये एक और हो गया गाइस, देखो ये देखो एक और हो गया, ठीक है। इसको भी उठा के वहीं पे रख देता हूँ ड्रैगन के पास, ताकि कोई खतरा नहीं लग रहे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। अनफॉलो। और यहाँ पे एक और था, ये रहा, ये 37 का है, ये काफ़ी ज़्यादा खाना खाएगा। ओके इसको बोल रहे कि हंग्री होने का वेट करो इसका। तो पीछे की तरफ एक और था, उसको खिला के लेके आता हूँ, रुको। वो में भी लो लेवल का था शायद। ओके ये पेटी किसकी पड़ी है? ओ भाई ये नहीं चाहिए, हमारे पास मेटल की है। आवाज़ सुनाई दे रही है किसी की मेरे को यहाँ पे? अच्छा चल के बीटल को ढूंढना। ओ भाई मैंटिस मैंटिस, भाग 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 भाई, भाग 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 भाग। ये एक और रहा, अच्छा वही है, मैंटिस पीछे नहीं पड़ा ना? ओके पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है मैंटिस, भाग भाई मैंटिस पीछे पड़ा है, भाग 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 भाग। अभी देखता हूँ, अभी टिक करके देता हूँ मैंटिस, रुक अभी टिक करके देता हूँ। आ जा मैंटिस मैंटिस, आ जरा, आ जा आ जा, हाँ आ जा, सामने सामने चल, तेरी जात का वड़ा पाव मारू। ओके पहले खाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंटिस को तो अच्छे से हमने सबक सिखा दिया है। ओके इसको भी भाई 3 बार खिलाना पड़ेगा। पीछे वाले जो बीटल है उसको खिला देता हूँ खाना। कितने हो चुके यहाँ पे? दो, एक और यहाँ पे था, कहाँ पे घूम रहा है भाई? ये रहा। तो इतने तो हो गए, अराउंड 7 या 8 बीटल हमारे पास हो चुके हैं। ओके इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। 2 hours later. हो गाइस क्या लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और वो एक, तो 8 टोटल बीटल हमने टेम कर दी है, ठीक है। तो उसको भी टेम करके इसमें रख दूंगा और मोटर बोट लेके आऊंगा और इन सबको लेके चला जाऊंगा। रुको, तो गाइज यहाँ पे मैं जो है अपनी बोट लेके जहाँ पे बीटल टेम किए थे उस एरिया में जस्ट अभी पहुँचने वाला हूँ, और ये बोट काफ़ी फ़ायदेमंद रही अभी, वरना वो बीटल को कैसे ले जाओ वो थोड़ा दिक्कत हो जाता। आपको पता ही होगा अपने पिछले एपिसोड में, मतलब पुराने वीडियोज़ में मेरे देखा होगा कि मैंने ये बोट बनाई थी टाइम पास के लिए, लेकिन अभी ये काम आ रही है सही है। तो मेरे को एरिया एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यही कहीं पे होना चाहिए सामने।
हाँ मे बी यहाँ पे हो लिफ्ट में या फिर सीधा, और बोट मेरे को वहाँ पे लगानी पड़ेगी एडजस्ट करके। और यहाँ पे अभी मैंटिस ना निकले क्योंकि मैं ड्रैगन को छोड़ के आया हूँ, अगर मैंटिस निकले और उन्होंने हमला किया। अच्छा वो रही सामने ही है, ठीक है ठीक है। मैं जो है वो बोट जो है वो इस तरह से यहाँ पे लगा देता हूँ, बाद में घूम सकते हैं वो, ठीक है। फ्यूल काफ़ी लेके आया हूँ उसमें, अभी इन सबको फॉलो करके मैं डिमोलिश कर दूंगा पहले, कोई रिस्पॉन्ड ना हुआ हो यहाँ पे मैंटिस या फिर सेंटीपीड, कोई नहीं हुआ, ठीक है। चलो टोटल 8 हमने पकड़ लिए है गाइस, और 2 कलर वाले हैं। अच्छा दूसरा, अच्छा ये रहा, इसको नीचे से मे भी कलर है। अच्छा ये कलर चेंज होते रहते हैं क्या इनके? अभी उतना कलरफुल दिख नहीं रहा, ये देखो ये वाला ये है, लेकिन इसमें का थोड़ा सा हल्का सा कलर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है अपने पास, फॉलो कर लेता हूँ। ओ होपफुली जल्दी जल्दी चले भाई। अच्छा ठीक ठाक ही चल रहे, मतलब है सही है, हो जाएंगे। और इनमें मैंने किसी में भी अभी तक खाना डाल के नहीं रखा है, एक में भी, तो इनका फूड बार कम हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी इनको बेस पे लेके जाऊंगा, उसके बाद सीधा इनके अंदर खाना डाल देंगे। मेरे पास अभी तक टट्टी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। ओ भाई क्या लग रहे है, देखो कैसे आ रहे, ऐसे लग रहे कि कीड़े भाई, काफ़ी ज़्यादा दांत वाले कीड़े सामने से चल चल के आ रहे। क्या 8 के 8 पहुँच जाए कोई एक, अगर पीछे रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके बोट में पहुँचने के बाद गिनती कर लूँगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है अभी बोट पे चढ़ो अच्छी बच्चों की तरह। मैं ही नीचे ना गिर जाऊँ भेस क्या, इनको ऊपर चढ़ाते चढ़ाते। आजा भाई क्या नीचे गिर जाओ, अभी 3 तो आ गए 4 आ गए, ठीक है बाकी के थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो ये 4 यहीं पे रहने दो। 4 अभी 4 तो भाई बोट के नीचे घुस गए। रुको इससे अच्छा मैं इनको पिकअप करके ऊपर डाल दूंगा, अभी यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं, ठीक है अनफॉलो कर देता हूँ इनको, पिकअप करके जो है वो ऊपर डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गए, और नीचे 2 होने चाहिए, और यस है। तो गाइस बीटल से भरी हुई बोट यहाँ पे रेडी है हमारी। ओके फूड बार देखने तो कम नहीं हुआ ना ज़्यादा, नहीं 1000 है, काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो गाइज इनको लेके वापस बेस पे चले जाते, गिर ना जाए भाई। ओके लेट्स गो। देखो कैसे बीटल काफ़ी ख़तरनाक लगता है, देखो गाइस बीटल है। अरे इसके हाथ भी है सामने की तरफ, 3 उंगलियां है उसके हाथ को, काफ़ी खतरनाक। अभी इनको लिफ्ट पे से लेके जाऊंगा। अरे भाई लिफ्ट पे कब आओगे, मेरे पास और जगह नहीं है कि मैं पीछे जा सकूं। आ रहे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 एक वापस से कहीं पे घूमने के लिए रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 चलो अभी गिर ना जाए कोई नीचे। ओ भाई रुक 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 रुक, वहाँ पे तो मैंने सीढ़ियाँ लगाई है, ये तो भूल ही गया था मैं। इस तरफ आ जाओ, मिडल में आ जाओ गाइस, मिडल में आ जाओ वरना तुम्हारी भुर्जी बन जाएगी। मिडल में आओ मिडल में आओ मिडल में आओ मिडल में आओ, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी आए दब जाएंगे सीढ़ी के नीचे, ठीक है। अभी टिक करके देता हूँ, अभी चाहिए भाई सीढ़ी में दब ना जाए कोई ये खाद। ओके पहुँच तो गए आराम से, ठीक है। तो इनको ऐसे घुमा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक छेद रखा है काफ़ी बड़ा, उसमें गिर ना जाइए।
ओ भाई वो भाई 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 छेद के पास जा रहे हैं। Thousand years later. ठीक है अभी मैं सबको अनफॉलो कर देता हूँ, ठीक है, और एक एक को उठा के एक एक कोने में डाल दूंगा। तो ये पहला वाला जाएगा इस कोने में, ठीक है, और इसमें मैं डाल देता हूँ अपना जो है। इसका क्या बढ़ाऊँ भाई, इसके पॉइंट में क्या बढ़ाऊँ, इनमें मैं टट्टी डाल के रखता हूँ, तीन तीन हर एक में। आराम से खाओ, टट्टी खाते हैं ना या और कुछ खाते हैं? हाँ मैं भी वही खाते होंगे। ठीक है तू आ जा यहाँ पे। अबे यार ये ओपन हो रहा है। अच्छा ये तीन ही स्लॉट है इनमें, सिर्फ तीन ही स्लॉट होते हैं इनमें। पता नहीं फट, अच्छा नहीं ज़्यादा होते, पता नहीं कितना फर्टिलाइज़र देंगे, कब देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ठीक है इसको रहने दो यहाँ पे। तीन तीन डाल के रखता हूँ एक एक में, सबके लेवल अप में कुछ ना कुछ बढ़ा देता हूँ। ओके इसका लेवल अप कर दिया ना मैंने, ठीक है। इसमें एक और क्यों नहीं जा रही फिर? अच्छा इसका क्या, अच्छा इसका वेट काफ़ी कम है इसलिए इसके अंदर और खाना नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसका वेट बढ़ाना चाहिए था, इनका वेट बढ़ा देता हूँ। वेट काफ़ी कम है रे इनका सबका, तो इसके कारण ये इसमें ज़्यादा खाना नहीं जा रहा है। तो उनमें फर्टिलाइज़र उसमें बनेगा या पता नहीं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, सारे के सारे आ चुके। इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे फर्टिलाइज़र बनने का ना गाइस, हम यहीं पे उनमें डाल देंगे। अभी कुछ अच्छी खेत लग रहे हैं हमारे, अभी मज़ा आ रहा है देख के खेतों को। ये आखिरी वाला, और इसको उस कोने में डाल देंगे सामने की तरफ। इसका भी वेट ही बढ़ा देते हैं। तो गाइज आखिरकार हमने टोटल आठ डंक बीटल जो है वो कर दिए टेम, और सब के सब को हमने जो हमारा ग्रीन हाउस है उसके अंदर लाके रख दिया है, ठीक है, ताकि इनसे जो फर्टिलाइज जब मिलेगा, मिलता है ना पक्का, मेरे को बोला था कि फर्टिलाइजर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो जैसे फर्टिलाइज़र मिलेगा हम इन सारे पौधों में डाल देंगे, तो हमको फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होगी। और अभी देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यार, ये हमारा ग्रीन हाउस बीटल से इसमें बैठे हुए अलग अलग कलर्स के। तो ये पहले इसको खाना दिया था, इसमें फर्टिलाइज़र नहीं बना अभी तक, मे भी काफ़ी लंबी प्रोसेस है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कोई नहीं चलो रहने दीजिए। तो गाइस इन छोटे छोटे बीटल्स के अच्छे अच्छे से नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, तो आप जो नाम बोलोगे वो नाम मैं इन छोटे छोटे बीटल्स को दे दूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो आई होगी पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking.